आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाएंगे जिससे शायद आप सभी वंचित होंगे। नमस्कार, मैं हूं संपदा अग्रवाल और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आपको बता दें कि भारत की सरकारी एजेंसी एयर इंडिया ने कमाल कर दिखाया है। एयर इंडिया के विमान बोइंग 777 ने नॉर्थ पोल के ऊपर से अपना एक नया रूट तैयार कर लिया है और ये पोलरिक क्षेत्र से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। पहला, ये रूट आपका 1 से 1.5 घंटे बचाएगा, यानी पहले नई दिल्ली से अमेरिका जाने के लिए 17 घंटे लगते थे पर अब सिर्फ 15.5 घंटे लगेंगे। दूसरा, ये रूट पहले 12,000 किलोमीटर का सफर तय करता था पर अब सिर्फ 8,000 किलोमीटर का सफर तय करेगा, यानी इसमें भी 4,000 किलोमीटर का समय बचता है। तीसरा, ये मार्ग 200 से लेकर 7,000 किलो तक ईंधन की भी बचत करेगा। चौथा, भारत से अमेरिका जाने के लिए पहले 2 रूट का इस्तेमाल होता था पर अब एयर इंडिया 3 रूट का इस्तेमाल कर सकती है। 3 रूट का इस्तेमाल करने वाली ये अब पहली एयरलाइन बन गई है। ये थे भारत के अमेरिका जाने के कुछ फायदे। अब आपको बता दें कि अमेरिका जाने के लिए आपको किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अटार्कटिक महासागर, कनाडा का सफर तय करना होगा और फिर आप सीधा अमेरिका प्रवेश करेंगे। एयर इंडिया इस मार्ग का उपयोग अगस्त के अंत तक कर सकती है। ऐसी और भी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।